ओके मम्मी हम आए, मौसी आते हैं हम अभी। ये पूरे कान में चिपका और कान फाड़ दिया इसने मेरा। चेरी मेरी मौसी। हेलो किचन का ना तुम भी। हेलो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अंकी, रोनी और पापा और सोमू के पापा वो जा रहे हैं थोड़ा नीचे मार्केट में सामान लेने, और मैं और मम्मी चले मौसी के यहाँ। मम्मी का मन कर रहा था कि मौसी से मिल के आते हैं, तो मैंने कहा ओके रिपोर्ट है। तो अभी हम सारे एक साथ जा रहे हैं नीचे तक, वहाँ से गाड़ी पकड़ूंगा और फिर निकलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। कितनी मस्त दिख रही है अभी वो चौक, है ना? वाइब देख, वाइब तो देख, और ऊपर से भी देख कितना, देख मंदिर की ठेक ऊपर, देख हाँ जस्ट ऊपर मंदिर के चौखंबा, हिमालय पर्वत, भोलेनाथ। चलो फिर आज की जर्नी हो चुकी है शुरू, अपनी वादियों को देखो, एक्सप्लोर करो अपने उत्तराखंड को। और ये देखो ऐसे ऐसे रस्तों को एक्सप्लोर करो। ये तो अभी हमारे गांव का है, और नानी के गांव का भी दिखाई दिया था मैंने थोड़ा बहुत रास्ता आप लोगों को। अब दिखाऊंगा किसी और पहाड़ का। इन झाड़ियों में होता है बाघ, और जो मैं परसों, हम रात को सोमू और मैं फंस गए थे, लेट हो गए थे, बस इस जंगल में डर लग रहा था हमें। हमने जाना है उधर, और हमारा गांव है इस साइड, पर रास्ता घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से लाता है। और रोनी को आसान लगा था ये लंबे वाला रास्ता, कहता ये आसान है, खेतों से लेट हो जाएंगे। तू बता भाई, ओ क्या कहता है तू बता? ज्यादा नहीं ध्यान नहीं दिया मैंने, ये खेतों वाला आसान है ना, तो एक काम करना तुम दोनों बैट लगा लेना, यही करेंगे हम। आते तू खेतों से दौड़ी और रोनी तू लंबे वाले रास्ते, कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगा। हां देख मेरे हिसाब से तो अंकी थे, खेतों वाला ज्यादा आसान है भाई। तू ये कहां चला जाएगा, नमोली से फोन कर रहा हूं, हम पहुंच चुके हैं। देख कैसी गुफा में जा रहे हो तुम लोग, अंकी जीतेगा क्योंकि खेतों वाला रास्ता आसान ही है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बट कान फाड़ दिया अपना, इसको हटा दो, ओला ये पूरे कान में चिपका और कान फाड़ दिया इसने मेरा। भाई इसको तोड़ दो ना थोड़ा सा, लंबा बंदा कैसे निकलेगा? वही सोच रहा हूं, रुक जाओ। और तू भी झुक के नहीं चल सकता, ये साला यहां झुक के नहीं चल रहा, मैं तो हैरान हूं। और इतना ये देखिए सारे कांटे हैं, आते हुए भी हमारे ही बजेंगे। थोड़ी डंडा दियो, निकाल यार एक डंडा, ये हैं सर तोड़ दूंगा। अबे डंडा दे सब तोड़ दूंगा। अच्छा हाँ एक डंडा पकड़ लो अपने हाथ में। यहाँ पे इसी चीज की प्रॉब्लम है, ये गुफा जैसी चीज के बीच में से निकलना है, और आसपास झाड़ियां बहुत है। चल मैं आते हुए एक डंडा लाऊंगा, तू कर। तो बंदों को दिक्कत हो रही है चीज से। ओ देख क्यों हीरो बन रहा है, चल चलो। ऐसे गाइज अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, इन जैसे अगर खड़े होकर चलोगे तो ऐसे ही होगा, इसलिए झुक के चलो, सेफ्टी से पहुंच जाओगे, क्या दिक्कत है। ना कंटे तुम्हारे को कुछ बोल रहे, ना तुम उन्हें कुछ बोलो, बस चलो गाइस बाय डाडा। ओके तुम्हारे पीछे लगाई हुई मैंने, अभी तो जा नहीं रहे, ठीक है फिर मिलते हैं। ओके सुबह आओ। बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी। ओके बाय 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 बाय। अंकी, रोनी, पापा और सोमू के पापा गए उधर को, वो जा रहे, और हमारा रूट है दिस वे, हमने यहाँ जाना है मौसी के यहाँ, तो हम भी चलते हैं। मम्मी और मैं निकल पड़े मौसी के यहाँ, मम्मी की छोटी बहन। आज कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, आज मम्मी खुश है। जल्दबाजी में मम्मी ज्यादा बंदों से मिल नहीं पाई ढंग से ना, तो मम्मी ने कहा सबसे कल्ले कल्ले मिलूंगी, तो मैंने कहा ये जिम्मा मैं लेता हूँ, तो चल पड़े। बढ़िया है ना, है? अब मम्मी अपनी मनमानी करेगी। मनमानी तो होगी, एक बैग में सूट रखा था वो आधे रास्ते में छोड़ दिया। ओ यार गाइस अभी पता क्या हुआ, नहीं मम्मी के पास एक बैग था, वो मम्मी ने मुझे पकड़ा दिया, मैंने कहा चलो ले आएंगे। अंकी रोनी के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में मैंने वो रास्ते में रखा और वहीं भूल गया। और बस अब इतना ज्यादा ट्रैवल करके कौन जाएगा वापस पैदल, तो मैंने सोमू और रूपाली को बोल दिया फोन करके कि यार एक बार चेक कर लो वहां पे मिल रहा है, तो वो गए पैदल थोड़ा सा आधे रास्ते, उन्होंने कहा हाँ भैया यहीं पड़ा है। चलो मिल तो गया, कम से कम घूम नहीं हुआ, मम्मी के सूट थे उसमें, पर हमारा आधे से ज्यादा सामान गाड़ी में भी तो आया है पड़ा हुआ, दूसरा रख दिया, तो हमने उसमें से निकाल लिया कुछ। तो ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तो चलो अब मैं मौसी को फोन कर देता हूँ कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, खाना खुना बना के रखना। ये मम्मी का स्कूल है, ये तेरे स्कूल से ना, देख लो मेरे को एकदम से चलते चलते पता लग गया, ये देखो मम्मी का स्कूल। ये उस टाइम हम अंदर भी घुसे थे, हाँ 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 अंदर भी गए थे।
मम्मी की स्कूलिंग यहाँ से हो रखी है। बहुत बहुत प्यार, बहुत और भी अच्छा बन गया ये देख। ये उस दिन हम वहाँ गेट खुल के वहाँ तक गए थे अंदर तक, मस्त बने। अभी हैं देखो वो बच्चे है? दिख रहे हैं ना, विद्यार्थी दिख रहे हैं आज। ये कौन सी क्लास तक का है? ये 12वीं तक हो गया। पहले से 12वीं तक का है। अच्छा पहले से स्टार्टिंग से। भाई अब तो अंदर एक्टिवा भी ले जाने लग गए बच्चे। अब वो बच्चे वो हो गए थोड़े अपग्रेड हो गए मम्मी यहाँ के। बहुत बिल्डिंगे बन गई, तब तो बहुत कम थी, चंडीगढ़ में भी नहीं हुआ शायद। चलो क्या नाम है इसका कॉलेज का, स्कूल का? ये राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त मुनि। ये अगस्त मुनि आ गया क्या? बड़ी जल्दी आ गया। लो भाई हम भी पहुंच गए अपनी मौसी के यहाँ। दिखाता हूँ तुम्हारे को इनके गांव का रास्ता। यही तो दिख रहा था वहाँ हमारे घर से भी, और वो चौखंबा। चलता फिरता बंदा तोड़ लेगा रास्ते से ही, पर किसी को जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबके पास अनलिमिटेड है। और मोनोडॉन मुझे लगा नीता तू मिलेगा। ये है मेरी मौसी का गाँव, मतलब इसका घर, इसे तो जानते ही आप सब। ये रही मेरी मौसी, ये रही मेरी मौसी। तो बमोली था मौसी स्पीड, इसे बोलते स्पीड। गाड़ी भी लगाए हुए क्या पंख? देखा मौसी का मिलने का स्टाइल ही ऐसा है, मौसी का प्यार है ये। यहाँ मौसा जी ने सारा सिस्टम घर में ही फिट कर रखा है। देखो चक्की भी यही है जी। कैसे आए थे? यूं मस्त है यार। अभी मम्मी और मम्मी की बहन, मेरी मौसी और इसकी मम्मी। हेलो हेलो गाइस, हम सब काटेंगे घास। स्पेशली मौसी ने कहा है कि मेरी हेल्प करने आओ, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो चुकी हूँ। तो घास काटेंगे एंड देन फिर चलेंगे। ये रे दोनों बहनें, छोटी बहन घास के लिए जा रहे हैं, बड़ी बहन क्रांति रखी हुई है घास के लिए। मम्मी काटेगी आज घास है? मम्मी भी काटेगी, मम्मी भी तो काटेगी घास। मम्मी को आता कहाँ है? चंडीगढ़ में वो दूसरी है, पहले बहुत सारा घास काट रखा है। नहीं नहीं मम्मी को आता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये देख ऐसे रखे हुए हमारी रस्सी रखी हुई है, क्रांति रखी हुई है। बस मैंने वही तो देखना है। हमारे गाँव के हिसाब से ना यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खेत हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं। ये देखो कितना प्लेन एरिया है, और ये मौसी का खेत है सारे का सारा। देख लो हमारा मोनू अमीर है बहुत, ये सारे खेत इसी के हैं। और ये जो ये लाइन जा रही है ना ऊपर पे, ये केदारनाथ जाती है, तो इसीलिए सारे का सारा टूरिस्ट स्पॉट है। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे लॉज हैं, और ये हेलीपैड वाला एरिया है ना। हाँ हाँ हेलीपैड, और यहीं से आगे जाती है ना ये। नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी ना, यहाँ से रोड बंद है, नीचे से है रास्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो देख लो हमारे हिमालय। पर यहाँ के खेत बहुत अच्छे हैं गाइस, तुम्हारे को दिखाता हूँ एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो देखा नहीं होगा अभी तक, हमने खुद ने नहीं देखा। ये लो हमारी मम्मी घास काट रही है अपनी छोटी बहन के साथ, और ये पूरे खेत का घास काटना है और आज ही निपटाना है ये। ओके मम्मी हम आए, मौसी आते हैं हम अभी। यही मत रहना तुम, ठीक है निकालने हैं। वो छत पे नहीं है, पूरे निकाल देना, ऐसे खींचना उसको पूरा। ठीक है हम 10-11 बजे तक पहुंचेंगे, ठीक है ओके। दिन की रात की? रात की, रात की 11, तो वही रहना जहाँ से तुमने 11 बजे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अब हम यहाँ से शॉर्टकट मारेंगे रास्ते खेती खेत ऊपर। एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा धारा, और ये पीने वाला है, प्योर धरती के अंदर से निकल रहा है, पहाड़ के अंदर से आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। और ये है मोनू और की गौशाला है। मोनू तुम्हारी साल की एज ना?
व्हाइट वाले ना, ये व्हाइट वाली मोनोर की गौशाला। ऐसे इन्वायरमेंट में बंदा कैसे हेल्दी नहीं रहेगा, अपनी खेती, अपना पानी, ऑर्गेनिक फूड। अब ये देख लो, ये क्या है, पालक, ये राई, राई देख लो, देखना राई। क्या चाहिए बंदे को, सब्जी, येरी, बैंगन भी और हैं, ये देखो बैंगन, हरी भुजी, संतरे, ये रे बैंगन, ये देखो और संतरे, ये रे फल, यहाँ फूल, यहाँ सब्जी, यहाँ नेचुरल वाटर, यहाँ और बंदे को क्या चाहिए। और जो नहीं है यहाँ एक चीज, वो है ट्रैफिक पॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। और क्या चाहिए यार, बढ़िया अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड की जय हो। मनु कहाँ ले जा रहा है तू, घर 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 घर, लगता है आज डंडे पड़ेंगे घर पे है। ओ यो कर रहे लैट, मैं तो नहीं दिखा। घर पहुंचते पहुंचते हमें बज गए अप्रोक्स 10:15। हाँ बिल्कुल डन 10:15। और बाहर अंधेरा देखो, ये फ्लैश लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है आपको। और घर में देखो, मम्मी ने हमें सुना सुना के हमारी हालत खराब कर दी। और हेलो किचन का ना, तुम भी रोटी बना रखी है, उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे दोनों भाइयों। तो मौसी इतने दिनों बाद गांव आए, कहीं घूमेंगे तो वहाँ प्लान किया था, तो पड़ी हुई है बच्चे, यहाँ तो बहुत जल्दी डर लगने लग जाता है। थोड़ा घूमना तो है ही है, घूमना है तो जब तक उजाला है तब तक घूमो बच्चे, यहाँ बाहर से बहुत डर लगती है। देखो दोनों की दोनों बहने आ जाई है, तो कट्ठी खाना बना रही है, कट्ठी घास काट रही है, कट्ठी सब कुछ इकट्ठे हो रहा है, सब कुछ इकट्ठे हो रहा है। और ये देखो अभी वीडियो देख रही है अंकित की, मम्मी मेरी भी देख ले यार। Thank you.